की कहानी का शीर्षक है दान का महत्व। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों पहाड़ियों की सोने को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वह लोग सभी लाइन बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार की। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था, अर्जुन में अब तक अभिमान आ चुका था। गांव के लोग वापस आ आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और न होगा, मुझसे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहां से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम्हें दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया, वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनकी पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान मिल चुका हो। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। ओम शांति।